नमस्कार, मैं लतिका बुटर आज फिर से स्वर संगीत चैनल में आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको भोलानाथ भट्ट के जीवन का परिचय दूंगी। ऐसा व्यक्ति जो चारों पट का गायक हो तथा जिसके पास आप प्रचलित रागों का अथाह समुद्र हो, बहुत कम मिलते हैं। किंतु पंडित भोलानाथ भट्ट की गणना ऐसे ही लोगों में होती थी। आप में बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। आप बातचीत करते करते गाने लगते थे और उसी राग की बंदिश अथवा तान आलाप शुरू करते थे, जिसकी चर्चा होती रहती थी। उन्हें जरा सी भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिना रुके हुए वे अनेक रागों की बंदिशें सुनाते जाते। ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके पास बंदिशों की भरमार है। आप चाहे सुनते सुनते ऊब जाएं, किंतु वे सुनाने में नहीं ऊबते थे। आपके पिता का नाम पंडित मोतीलाल भट्ट था, जो दरभंगा राज्य में रहते थे। पंडित भोलानाथ का जन्म वहीं पर सन 1891 ईस्वी में हुआ। आपके पूर्वज मारवाड़ राजस्थान के फतेहपुर नामक गांव के रहने वाले थे। कुछ कारणवश राजस्थान छोड़कर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के कराली ग्राम में रहने लगे। संगीत आपकी वंश परंपरागत व्यवसाय रही है। आपने ध्रुपद धमार की शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीलाल भट्ट से प्राप्त की। ऊँचे पिता से थोड़ी शिक्षा प्राप्त ही की थी कि अकस्मात वे स्वर्गलोक सिधार गए। पिता के मरने से आप अनेक संकटों से घिर गए। परिवार का पूरा उत्तरदायित्व आप पर आ पड़ा। संगीत सीखने के लिए भी कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। एक बार आप इतने हतोत्साह हुए कि आत्महत्या तक करने को तैयार हो गए, किंतु पिता के एक दोस्त ने आपको बड़ी दिलासा दिलाई, जिससे आप घोर संकटों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब आपने मामा स्वर्गीय श्याम सुंदर भट्ट के पास गए और उनसे ख्याल गायन की शिक्षा ली। उस समय से आप संगीत के पीछे दीवाने हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। जहाँ भी जो कुछ मिला उसे ग्रहण किया। एक बार वे कलकत्ता जा पहुँचे। वहाँ उस्ताद करामत उल्ला के द्वारा सेठ बेचा बाबू से भेंट हो गई। वे आपके गायन से बहुत प्रसन्न हुए और आपको काफ़ी धन दिया। तब आप कलकत्ते में ही रहने लगे। कलकत्ते में उस्ताद मिट्ठू खां की बहुत सेवा करने के बाद उनसे थोड़ा बहुत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उस्ताद बिंदु खां, रामपुर के वजीर खां, दतिया के विलास खां, भैयागन पतराव, मोजुद्दीन खां आदि विद्वानों से जो कुछ भी प्राप्त हो सका प्राप्त किया। आपने विभिन्न रियासतों में भ्रमण किया और जहाँ भी गए गायन से रियासत नरेशों को खुश किया। कुछ रियासतों में थोड़े थोड़े समय तक रहे भी। सन 1950 से भ्रमण छोड़कर इलाहाबाद में रहने लगे। वृद्धावस्था की वजह से कुछ कम भी सुनने लगे थे, किंतु जब कभी थोड़ा बहुत गुनगुना देते थे तो उनकी चरमावस्था का अनुमान लग जाता था। श्री बी आर देवधर तथा श्रीमती मानिक वर्मा ने आपसे काफ़ी लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त आपसे अनेक व्यक्तियों ने संगीत शिक्षा ग्रहण की। पंडित रामाश्रय झा, पंडित गणेश प्रसाद शर्मा, पंडित शंकर लाल मिश्रा आपके मुख्य शिष्य हैं। आपकी मृत्यु 16 मई 1970 को थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद हुई, जिससे संगीत जगत को बड़ा आघात पहुंचा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।